जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एबी। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को ये पता होगा कि इस समय जो कोविड-19 है वह हमारे देश में बिल्कुल पीक पर है। तो जहां पर एक तरफ हमारा देश कोविड-19 की चुनौती से लड़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हमारा देश कुछ मूर्ख लोगों की वजह से यहाँ पर फेक न्यूज़ की चुनौती से भी लड़ रहा है। जितना आपका कोविड-19 रोज़ प्रसारित होता है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो ये फेक न्यूज होते हैं वह आपके प्रसारित होते हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका भी यहाँ पर ये कर्तव्य होता है कि इस प्रकार के जो फेक न्यूज होते हैं, ना केवल आप उनको पहचाने बल्कि उनको आगे प्रसारित होने से भी रोकें। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि किस प्रकार से आप किसी भी फेक न्यूज़ को यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको आगे प्रसारित होने से भी रोक सकते हैं। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले ही सुना होगा कि एक न्यूज़ यहाँ पर वायरल हुई थी कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट है और वह अपनी नाक में नींबू को निचोड़ लेता है तो उससे जो यहाँ पर कोरोना का वायरस होगा उसकी हो जाएगी डेथ और वह व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। एक व्यक्ति ने इस स्टंट को अपने घर पर ट्राई किया और इस स्टंट को ट्राई करने के बाद में उस व्यक्ति की यहाँ पर डेथ हो गई। यानी कि कोरोना वायरस तो नहीं मरा लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति की डेथ हो गई। तो डेली आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या जो भी अन्य आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर इस प्रकार के फेक न्यूज़ को पढ़ते होंगे। तो इसीलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इन फेक न्यूज़ को यहाँ पर पहचान करें। आइए थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। देखिए, कहा गया है कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वह भी एक वायरस के समान ही आगे फैलता है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ए। अब इसने क्या किया कि एक फेक न्यूज़ को इसने क्रिएट किया। फेक न्यूज़ को क्रिएट करने के बाद में इसने 3 लोगों को यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया। अब ये 3 लोग बिल्कुल बकलोल टाइप के हैं, इनको बस व्हाट्सएप पे कुछ मिल जाए ये ढूंढ ढूंढ के कॉन्टैक्ट के सभी लोगों के पास में इस प्रकार के न्यूज़ को फॉरवर्ड करते हैं। अब इसने भी अपने सभी बकलोल दोस्तों के पास में इसको भेज दिया। अब इसके जो भी बकलोल यहाँ पर थे उन लोगों ने पुनः इस न्यूज़ को आगे फैला दिया और कुछ ही समय में यह जो पूरी न्यूज़ है इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के पास में प्रसारित हो गई। अब होगा क्या कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसको पूरी तरीके से सही मानेंगे और उनका मानना होगा कि जो भी चीज़ें इस न्यूज़ में बताई गई हैं वह आपकी बिल्कुल सही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लोग यहां पर किसी भी खबर को अच्छे से प्रमाणित कर सकते हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले मैंने आपके 5G के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि क्या आपका जो कोरोना वायरस है वह 5G वेव के द्वारा फैल रहा है। उसका जब फॉरवर्ड मेरे पास में आया था, यानी कि जिस मैसेज में मुझको उसके बारे में बताया गया था, तो मैंने सिंपली यहाँ पर 5G उसके बाद में इटली टाइप किया। इटली के बाद में मैंने यहाँ पर पोस्टमार्टम टाइप किया और कोविड-19 टाइप किया। तो ये आपके कुछ कीवर्ड थे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इन कीवर्ड को गूगल पे ले जाकर के टाइप करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो मुझे पहला आर्टिकल मिला वह आपके ऑल्ट न्यूज़ का था और ऑल्ट न्यूज़ ने यहाँ पर डिटेल में उसके बारे में बताया था, जिसमें आपकी ये चीज़ें बताई गई थी कि ये जो पूरी रिपोर्ट है वह बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई भी घटना इटली में नहीं हुई थी। ठीक एक साल पहले जो आपका ये फॉरवर्ड था वह इंग्लिश में फॉरवर्ड किया जा रहा था और एक साल के बाद में वही आपका जो फॉरवर्ड है वह हिंदी भाषा में फॉरवर्ड किया जाने लगा, यानी कि वह बिल्कुल गलत न्यूज़ थी। तो अब मैं आपको यहाँ पर 7 तरीके बताऊँगा जिनसे आप लोग यहाँ पर किसी भी गलत सूचनाओं की पहचान कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आपके पास में कोई फॉरवर्ड आए या फिर आपको कोई लिंक वगैरह मिले तो उसमें आपको पहले ये देखना है कि यहाँ पर इसका सोर्स क्या है, यानी कि यहाँ पर जिसके द्वारा ये चीज़ें लिखी गई हैं उस वह किस प्रकार का यहाँ पर लेखक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह कोई ऐसी ओटपटांग चीज़ें लिखता है और उसी के द्वारा ये चीज़ें लिखी गई हैं। यानी कि पहले आपको ये देखना है कि उसका अदर कौन है, यानी कि किसके द्वारा उसको लिखा गया है। क्या वह व्यक्ति जिसके द्वारा ये चीज़ें लिखी गई है वह उसी फील्ड से संबंधित है या फिर उस फील्ड से संबंधित नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर किसी यहाँ पर मेडिकल फील्ड वाले व्यक्ति के द्वारा क्रिकेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो जाहिर सी बात है ऐसा संभव है कि वह जो आपकी जानकारी है वह उतनी ज़्यादा प्रमाणित ना हो। तो ये आपका पहला तरीका हो गया कि आपको यहाँ पर सोर्स की पहचान करना है। उसके बाद में जब आप यहाँ पर सोर्स की पहचान कर लें उसके बाद में फिर आपको देखना है कि क्या कुछ ऐसे भी सोर्स हैं जो यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आर्टिकल आपको मिलता है, उस आर्टिकल में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको आप ले जाकर के गूगल में टाइप करेंगे तो बहुत सारे साइट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर आपको उससे जुड़ी हुई जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद में आप उसको वहाँ से प्रमाणित कर सकते हैं कि क्या ये जो सारी साइटें हैं उनके द्वारा सेम चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इससे आपको पता चलेगा
ऑफिशियल सोर्सेज के बारे में और आपको पता चलेगा कि क्या वह चीजें जो बताई जा रही हैं वह आपकी प्रमाणित हैं या फिर नहीं। इसी प्रकार से रीड बियॉन्ड, कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे वीडियो वगैरह होते हैं उनके जो आपके टाइटल रखे जाते हैं या फिर जो उनका थंबनेल होता है वह बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ टाइप का होता है, यानी कि उसको जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि जिससे आप उसके ऊपर क्लिक करें। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई भी लिंक मिलता है तो उसके ऊपर आप लोग क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में पूरा मामला क्या है उसको यहाँ पर अच्छे से समझिए। तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद में आपको ये देखना है कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं क्या वह सिर्फ उसी साइट के ऊपर आपको मिल रही है या उसके प्रमाण में भी आपको कई सारी अन्य साइट के ऊपर भी जानकारी मिल रही है। यानी कि अगर वह इकलौती साइट है जो उसके बारे में बता रही है और वह साइट आपकी कोई भी ऐसी प्रमाणित साइट नहीं है तो फिर आप उसको बिल्कुल फेक यहाँ पर मान सकते हैं। अब तो आपको कई सारे इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट भी मिल जाएंगी जिनके ऊपर इस प्रकार की जो फेक न्यूज होती हैं उनको बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। सिंपली अगर आपके पास में कोई भी फॉरवर्ड आता है तो बस आप गूगल पे जाकर के उसको टाइप करिए, उससे रिलेटेड आपको कई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है कि यह कोई आपका जोक हो। जैसे मान लेते हैं कि जो आपका अभी नींबू वाला मामला हुआ था, हो सकता है किसी ने मजे लेने के लिए इसको ऐसे फॉरवर्ड किया हो। अब जाहिर सी बात है कि उसने तो जोक के पर्पज से इसको बना दिया था, लेकिन अब हो सकता है कि जैसे जैसे वह आपका आगे बढ़ रहा हो कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएं जिनको ये ना पता हो कि यह एक प्रकार का जोक हो, उनको लग सकता है कि यह बिल्कुल सही है और ऐसा हो सकता है तो वे इस स्टंट को ट्राई कर लें और इससे उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या यह किसी प्रकार का जोक वगैरह तो नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चेक योर बायसेस, यानी कि आप उसके सपोर्ट में हैं, यानी कि आपकी विचारधारा किस प्रकार की है आपको उसके ऊपर डिपेंड रहना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। देखिए अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कोरोना वायरस है उसके प्रसार में जो हमारे 5G की रेडियो वेव होती हैं उनका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया था कि क्यों यहाँ पर इसका रोल बिल्कुल नहीं है, क्यों आपकी जो चिड़ियों की डेथ हुई थी उसके पीछे भी 5G का कोई रोल नहीं है और 5G की जो रेडिएशन होती है वह हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। इसके बावजूद जब मैंने टेलीग्राम पर इसके ऊपर लोगों से रिपोर्ट मांगी, यानी कि लोगों की मैंने यहाँ पर राय मांगी, तो 50% लोग आपके ऐसे थे जिनके द्वारा ये उत्तर दिया गया कि नहीं, यहाँ पर जो हमारे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है उसके पीछे 5G का रेडिएशन ही जिम्मेदार है। यानी कि उन्होंने पहले से ही ये मान लिया है कि जो हमारा ये 5G रेडिएशन है उसी के द्वारा कोरोना फैल रहा है, या फिर हमारे देश में जो लोगों की डेथ हो रही है वह आपके 5G के कारण ही हो रही है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका यहाँ पर ओपिनियन उसके बारे में क्या है। तो जब भी आप इस प्रकार की कोई भी चीज़ पढ़ें तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल होकर के पढ़ना है। मैं ये जानता हूँ कि न्यूट्रल होना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन आपको यहाँ पर किसी भी आर्टिकल को या किसी भी न्यूज़ को अपने बिलीव के अनुसार नहीं पढ़ना है। जो भी यहाँ पर फैक्ट और फिगर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उन्हीं के आधार पर उसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। जब आप लोग अपने बायस को यहाँ पर किनारे रख देंगे तभी आप उसकी प्रमाणिकता को जान पाएंगे। अदरवाइज कितनी भी रिपोर्ट आपके सामने रख दी जाए, अगर आपने ये मान लिया है कि कोरोना वायरस 5G के कारण ही फैल रहा है, हमारे देश में जो लोगों की डेथ हो रही है वह 5G के कारण ही हो रही है, तो आप उसके विरोध में किसी भी आर्गुमेंट को यहाँ पर सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। अगर आपको कोई आर्गुमेंट यहाँ पर दिया भी जाएगा तो भी आप उसको यहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसीलिए अपने बायस को यहाँ पर चेक करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि वह डेट कब की है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि जो हमारा चिड़ियों की डेथ वाला पहला मामला हुआ था वह 2018 में देखा गया था नीदरलैंड के दाहिक में। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसी को यहाँ पर फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो में ये बताया गया था कि एक लड़की है उसको यहाँ पर जैसे ही एक इंजेक्शन दिया जाता है उस व्यक्ति की यहाँ उस लड़की की यहाँ पर डेथ हो जाती है, यानी कि उसको झटके वगैरह आते हैं और उसकी यहाँ पर हो जाती है डेथ। जब उसको यहाँ पर वेरीफाई किया गया तो ये पता चला कि ये आपके 2015 की वीडियो है, यानी कि उस समय तो कोरोना वायरस भी नहीं था, उस व्यक्ति को यहाँ पर चेचक था और जब उसको इंजेक्शन दिया जाता है तो कुछ वहाँ पर आपका संक्रमण होता है जिससे उसकी डेथ होती है। अब लोगों ने इसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो लड़की की डेथ हो रही है वह आपके कोविड-19 का जो यहाँ पर वैक्सीन है उसके कारण हो रही है।
अब इसी प्रकार से आपको ये पता करना होता है कि जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या वे आपकी करंट की हैं या फिर आपकी वो पुरानी है। जैसे आपने अभी पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवा रहे हैं। कई सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि वैक्सीन यहाँ पर जो है वह आपके कोविड 19 की नहीं है बल्कि नसबंदी के लिए है। अब क्या बताएं ऐसे लोगों को। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार के जो फेक न्यूज़ हैं उनसे बचना है, और ये आपके सिंपल तरीके हैं जिनसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आपको कोई यहाँ पर न्यूज़ मिले तो उस न्यूज़ की प्रमाणिकता को आप चेक करने के लिए उस न्यूज़ के जो भी आपके कीवर्ड हैं उन कीवर्ड को ले जाकर के गूगल पे टाइप करिए। उससे जुड़े हुए आपको कई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे और कई सारी ऐसी साइट्स भी मिल जाएंगी जो उसके प्रमाणिकता को यहाँ पर चेक करती हैं। तो जैसे मान लीजिए अब ये जो आपका व्यक्ति है इसने कोई चीज़ फॉरवर्ड की। अब इसमें जो एक व्यक्ति है वह ऐसा है जिसको यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से पता है, उसने उसको प्रमाणित किया यानी कि उसने उसको फैक्ट चेक किया कि क्या यह सही है या नहीं। उसको यहाँ पर जो खबर थी वह बिल्कुल गलत लगी तो उसने इसके प्रसार को रोक दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसका प्रसार है वह कैसे रुक गया। इसी प्रकार से बीच में कोई व्यक्ति हो सकता है जो इसके प्रसार को रोक सकता है। इसी प्रकार से आगे भी आपको कई सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इसके प्रसार को रोक सकते हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका भी ये दायित्व तो होता है कि इस प्रकार की खबरें जो भी आपकी प्रसारित होती हैं उनके प्रसार को आप लोग रोकें। तो आई होप अब आप लोग इस प्रकार के किसी भी फॉरवर्ड से ना केवल बचेंगे बल्कि दूसरों की भी यहाँ पर अच्छा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।